हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल बेगमंच पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक जो विमर्श पोर्टल पर डाले गए हैं 2020-21 के पेपरों के लिए, जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं 12 अप्रैल से, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पूरा पेपर यहीं से आने की पूरी संभावना है। ये विषय रसायन विज्ञान का और कक्षा 11वीं का, आज इसमें हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं संपूर्ण अध्याय का, कक्षा 11वीं के पहले चैप्टर का। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट को जो है कवर करेंगे। अगर आपको पूरी केमिस्ट्री के सभी चैप्टरों का वीडियो सॉल्यूशन हल सहित चाहिए हो तो हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसमें आप ब्लू प्रिंट जो हम बना चुके हैं, ब्लू प्रिंट की वीडियो आप ब्लू प्रिंट इसको देख चुके होंगे, कितने नंबर का कहाँ से आना है। तो इस प्रकार से आपको इनकी तैयारी करना है। इसके बाद हमारे यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न। तो हमारा जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएँ। इसमें पहला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप के प्रश्न एक अंक वाले, जिनमें शुरू के जो तीन प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3, इनमें इनके आंसर इसी में दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो आंसर हैं यहीं पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रो है, माइक्रो का आंसर है यहाँ पर 10^6। जो डेमा है, इस डेमा का आंसर है 10 और मेगा का आंसर है 10^6, गीगा का आंसर है 10^9 और फेमटा का आंसर है 10^-15। ये इनके यहाँ पर सामने गलत आंसर लिखे हुए हैं, आपको सही आंसर ये वाले लिखना है। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर इसी में दिया हुआ है। और इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरे में भी इसका मीटर का जो मात्रक है, मूल राशि से इसका मात्रक मिलाना, तो मीटर का यहाँ पर सही उत्तर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर बच्चों, तो मीटर का आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर लंबाई। क्या आ जाएगा इसका आंसर? आ जाएगा लंबाई। और इसके बाद जो किलोग्राम है, दूसरी आपका ऑप्शन किलोग्राम, किलोग्राम का हो जाएगा द्रव्यमान, ये लंबाई आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। इसके बाद तीसरा जो है सेकेंड, और सेकेंड का जो मात्रक होता है वो होता है समय, ठीक है। सेकंड के जो मूल्य का राशि है वो है समय। और एम्पियर जो है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर है विद्युत धारा की। केल्विन किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊष्मगत की, यानी ताप की, ठीक है। और कैंडेला किसकी इकाई है? दीप्ति तीव्रता। और मूल किसकी इकाई है? तो पदार्थ की मात्रा की। तो यहाँ पर इस तरफ इकाइयाँ दी गई हैं और इस तरफ इनकी मूल राशि दी गई हैं, तो मात्रकों को मूल राशि से यहाँ पर मिलाना है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे पर, और प्रश्न क्रमांक तीसरे में बच्चों उत्तर इसी में ही दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, यानी मूलों की संख्या क्या कहलाती है? इसमें विलेय नहीं लिखा है लेकिन विलेय इसमें लिखना है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मूलों की संख्या क्या कहलाती है? अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका मोलरता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा मोलरता। पहले का आंसर हो जाएगा मोलरता, ये वाला, ये वो थोड़ा सा मिस है यहाँ पर, इसका सही आंसर है मोलरता। इसके बाद दूसरा है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मूलों की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? विलायक में है, तो ये हो जाएगा आपका मोलरता, इसका ये आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा है कि विलयन में मूलों की संख्या एवं किसी घटक के मूलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी घटक के कुल मूलों की संख्या का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पर? मूल अंश। इसके बाद है कि विलयन के द्रव्यमान एवं विलेय के द्रव्यमान एवं विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को 100 से गुणा करने पर क्या निकलती है? प्रतिशतता। तो ये आपको यहाँ पर प्रतिशतता का सामने दिया हुआ है, बाकी आपको इस प्रकार से मिला लेना और अच्छे से ध्यान से करना है। तो आपका पहले का आंसर कहाँ पर है? ये वाला। और दूसरे का आंसर कहाँ पर है? ये ऊपर। और तीसरे का आंसर कहाँ पर है? तीसरे का आंसर है आपका मूल अंश पर, और जो चौथा है उसके सामने ही दिया हुआ है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे से। तो आपको इन सब के आंसर जो है नीचे अभी पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा पीडीएफ में आपको ये उनके आंसर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर अपना नंबर भेज दें, व्हाट्सएप नंबर, जिससे हम आपको पीडीएफ पहुंचा सकें, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम आपको इनके आंसर बता देते हैं कि प्रश्न क्रमांक जो चौथे का आंसर है परमाणु द्रव्यमान की मात्रा की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा AMU। और प्रश्न क्रमांक पाँच वह है कि 180 ग्राम जल में मूलों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मूल। कैसे निकालते हैं? तो मूल निकालने के लिए सूत्र हमारा कि पदार्थ का द्रव्यमान यानी 180 ग्राम और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान मतलब 18, क्योंकि जल हमारा पदार्थ और आणविक द्रव्यमान उसका द्रव्यमान दिया है 180, तो जिसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 मूल। तो इसका सही आंसर है 10 मूल। इसके बाद है
प्रश्न क्रमांक छठवा, ये शुष्क की जगह यहाँ पर शुद्ध है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 55। इसकी जगह पर अगर 55.5 आता तो भी सही आंसर है, 55.56 है तो भी इसका सही आंसर माना जाएगा, या 55.6। तो ये सभी आंसर इसके राइट हैं, लेकिन यहाँ पर 55 दिया हुआ, इसलिए इसका हमारा आंसर 55 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक सातवा, और प्रश्न क्रमांक सातवें का जो आंसर है कि 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.02 × 10^23, सी वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आठवां प्रश्न कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का NTP, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर NTP है, एक मिस्प्रिंट लिखा है, NTP पर आयतन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। इसके बाद व्यंजन का अणु सूत्र C6S है, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, तो इसका सही आंसर है CH। इसके बाद सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है, में सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें जो भी जीरो हैं आगे के वो अशून्य अंक हैं, ये सब सार्थक अंक नहीं होते, लास्ट के अंक जो हैं यहाँ पर इसमें अंक दिख रहे हैं आपको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की, और प्रश्न क्रमांक 11 जो है कि रसायन विज्ञान में बहुत छोटी राशि 10^-31 एवं बहुत बड़ी राशि से वैज्ञानिकों को कार्य करना पड़ता है, इनको सरल रूप में प्रकाशित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपके चालू होते हैं एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर लिखा आवश्यक अभिकारक अभिक्रिया कारकों और बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर इसका सही संबंध जो प्रश्न गड़बड़ दिया है, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, इसके बाद ये एक्स्ट्रा लिखा है, तो अभी हम इसको छोड़कर चलते हैं, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 से इसको हल करते हैं, और लिखा है इसमें कि किसी निकाय में उपस्थित परमाणुओं अणुओं या अन्य कणों की संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, इस संख्या को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोल हो जाएगा, या इसको हम अवोगाद्रो संख्या भी कह सकते हैं, तो अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और इसका आंसर आप मोल भी, जैसे संख्या पूछा है तो आप इसको क्या कहेंगे, अवोगाद्रो संख्या बोलेंगे, सही आंसर इसका अवोगाद्रो संख्या हो जाएगा। इनके आंसर आपको वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे, आप अंत तक देखें वीडियो को और अच्छे से इनका आंसर हमको समझें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है अणु का द्रव्यमान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इस प्रकार से आप इनके जो आंसर हैं यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएंगे, अवोगाद्रो संख्या वगैरह ये सब जो आंसर है यहाँ पर देखिए आपको, ये आंसर जो है इस प्रकार से यहाँ पर पहले जो हमने आपको बता दिए हैं वो दिए हुए हैं, तो अवोगाद्रो संख्या है, दूसरा आंसर यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो दूसरा आंसर यहाँ पर आप देख लें और इसको कन्फर्म कर लें। ठीक है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, तो अणु का अगर इसको 70% के हिसाब से चलें तो अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, परमाणुओं के द्रव्यमान का कुल योगफल क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं तो वो क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अणु। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अणु इसका आंसर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया है कि द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात किसी पदार्थ में पदार्थ की कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, तो किस किस का अनुपात, द्रव्यमान और आयतन, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है घनत्व, क्योंकि इनका जो अनुपात होता है वो घनत्व होता है, मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसके बाद मात्राओं को की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को क्या कहते हैं, तो SI पद्धति, किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के समीप्य को व्यक्त करती है, इसका आंसर आपको कमेंट करके भेजना है, और सातवें प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट करके हमें भेजना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, तो इसको हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर है 2.34 × 10^5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक संकेतन में अगर हम इसको लिखें तो ये संकेतन है। ठीक है, और इनके जो बाकी के जो आंसर हैं जल्दी हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देंगे, जिससे आप इनको देख सकते हैं, तो इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद। और इसके बाद हमारे आते हैं प्रश्न क्रमांक
जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं उनके प्रश्नों को उत्तर। तो भूमि विश्लेषण क्या होता है, सीमांत अभिक्रमक किसे कहते हैं, अणु परमाणु में 3 अंतर, सार्थक अंक क्या है, इन सबके उत्तर और ये आपके जो 10 प्रश्न दिए हैं इन सभी के उत्तर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए ये आपके 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर हैं, यहाँ पर जो छूट गए हैं उनको आपको सेल्फ करना है मेहनत करके। और इसके बाद 1 शब्द में उत्तर जो है, इनमें भी आपके क्वेश्चन बन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन जो 2 और 7 है आपको इसको करना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 अंक वाले जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार आपको अगर पूरे चैप्टरों की वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए पहला प्रश्न था कि विमीय विश्लेषण क्या होता है, तो विभिन्न भौतिक राशि की माप में उपयोग की गई किसी गणना को विमीय विश्लेषण कहते हैं। यह इकाइयों को एक दूसरे में परिवर्तित करने की विधि है और यह एक संकल्पनिक औजार है जो भौतिकी रसायन प्रौद्योगिकी गणित सांख्यिकी में प्रयुक्त होता है। यह वहाँ उपयोग होती है जहाँ कई तरह की भौतिक राशियाँ किसी घटना के परिणाम के लिए जिम्मेदार हों। भौतिक शास्त्री अक्सर इसका उपयोग किसी समीकरण आदि की वैधता की जाँच करने के लिए करते रहते हैं। तो ये आपको इतना लिखना है, 2-3 अंक वाला प्रश्न है। इसके बाद बात हम करते हैं सीमांत अभिक्रमक की, तो सीमांत अभिक्रमक में आपको 2 आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको ये सारे 1 लग सकते हैं। तो पहली परिभाषा दी है कि सीमांत अभिक्रमक में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक या अभिकारक भाग लेते हैं तो इनमें से 1 क्रियाकारक कम मात्रा में होता है और दूसरा क्रियाकारक अधिक मात्रा में होता है। जो क्रियाकारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त होगा, अब जो समाप्त हो जाएगा जिससे अभिक्रिया अंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सीमांत अभिक्रमक कहेंगे यानी कहते हैं। तो ये इसका आंसर है और बाकी आप दूसरा आंसर ये लिखा हुआ है इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, तो प्रश्न क्रमांक 3 अणु परमाणु में अंतर, तो इस अंतर को आप कॉलम बना के ही लिखें ज़्यादा सही रहेगा, एक तरफ अणु और एक तरफ परमाणु। हमने आपको यहाँ पर जबकि करके लिखा हुआ है तो अणु वाले पॉइंट आप अणु में लिख दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता, तो अणु वाले कॉलम में आप लिख देंगे अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता, और परमाणु वाले में लिख देंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इस प्रकार दूसरा पॉइंट अणु में लिखेंगे अणु रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते, और परमाणु में लिखेंगे परमाणु रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट है अणु का निर्माण परमाणु से मिलकर होता है जबकि परमाणुओं का निर्माण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होता है। अणु अविभाज्य है और जबकि परमाणु अविभाज्य है। अणु कैसा है, विभाज्य, इसको बांटा जा सकता है और परमाणु को नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। पुरानी परिभाषा में यही है कि इसको अविभाज्य माना गया था लेकिन वो विभाज्य है, ठीक है। यह एक या एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है अणु, और जबकि परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्म कण है। तो इस प्रकार से ये थे प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 4 आता है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं और इनके उदाहरण, तो किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को ये आपको मिसप्रिंट है यहाँ से नहीं लिखना है, उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। इसके बाद आगे लिखना है इसी में कि किसी भी मापन में 1 से लेकर 9 तक के अंकों की संख्या में सभी सार्थक अंक माने जाते हैं। मापन में 1 से 9 तक के अंकों को सार्थक अंक, सभी अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। इस प्रकार का मापन स्केल और थर्मामीटर आदि में किया जाता है। और इसमें उदाहरण आपको दिया होगा 35.63 में 4 सार्थक अंक और 9.25 में 3 सार्थक अंक हैं, लेकिन अगर बात करें हम 0.025 में तो यहाँ पर सिर्फ 2 सार्थक अंक है, 0 को सार्थक अंक नहीं माना जाए, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5 आता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है इसका उत्तर लिखेंगे कि समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कणर्मा होता है। इस नियम के अनुसार दोनों यानी अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान समान होने चाहिए और यह तभी संभव जब दोनों तत्वों और परमाणुओं की संख्या ऐसी समान हो, इसलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 आता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियों के नाम लिखिए, कौन कौन सी विधियों से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। तो आपको जो आपके सिलेबस में विधियां दी गई हैं वो मुख्य रूप से 2 हैं, लेकिन आपके जो एक और अध्याय है 8 अध्याय उसमें आपकी 2 विधियां और दी गई हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियाँ निम्न है, 1 है आंशिक समीकरण विधि, 2 है अनुमान विधि, 3 है अनुआयन विनिमय विधि और 4 है आपकी ऑक्सीकरण संख्या विधि, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से यहाँ पर इतनी विधियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि बाष्प घनत्व द्वारा अणु सूत्र कैसे जान सकते हैं,
तो आप उत्तर लिखेंगे बासपन्न एवं अणुभार में संबंध। तो पहले तो हेड में ई डालेंगे, फिर गैस का अणुभार बराबर होता है दो गुणा बाष्प घनत्व के। तो किसी गैस का अगर हमें बाष्प घनत्व होता है तो बाष्पन हमें ये बताता है कि उस गैस का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से कितने गुना भारी है, तो वो इसके भारीपन को यानी उसको वेट को बताता है। तो ये इसके प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आठवां कि एनटीपी से क्या समझते हो या एनटीपी क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब यानी 760 दाब को सामान्य ताप बदाब कहते हैं और जिसे हम एनटीपी के नाम से जानते हैं। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये भी आपको लिखकर आना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, सूत्र इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है हमने एसटीपी वाली कि 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ऊपर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री वाले को नॉर्मल बोलते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस जब हो जाती है और एक एटीएम दाब हो जाता है जो एक बार दाब को भी, तो उसको हम कहते हैं मानक ताप बदाब, जिसको हम शॉर्ट में एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हालांकि आपको प्रश्न के हिसाब से सिर्फ ये परिभाषा लिख के आना, ये आपको नहीं आना, ये इसलिए लिखी है जिससे आपको समझ में आ सके एसटीपी और एनटीपी में क्या अंतर है। इसके बाद नवा प्रश्न हमारा कि मूलानुपाती सूत्र द्वारा आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अणु सूत्र का निर्धारण देखिए कैसे करते हैं। तो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद उसका अणुभार ज्ञात करते हैं। पहले क्या ज्ञात करेंगे, मूलानुपाती सूत्र, फिर उसके बाद उसका अणुभार ज्ञात करते हैं। इसके बाद अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग देते हैं और एन का मान निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र को एन के मान से गुणा करने पर अणु सूत्र ज्ञात हो जाता है। तो आणविक द्रव्यमान बराबर होता है एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो इस सूत्र से आप आणविक सूत्र यानी आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न आता है कि मूलरता की क्या परिभाषा है यानी मूलरता क्या है। तो एक लीटर विलयन में उपस्थित कोई एक लीटर विलयन है उसमें विलय के जो मूलों की संख्या होती है उसे हम मूलरता कहते हैं और इसे स्मॉल कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई जो है मूल प्रति लीटर होती है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों पूरे चैप्टर का संपूर्ण वीडियो एक ही पार्ट में। इसी प्रकार से आगे के वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।